गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल भारती फैमिली व्लॉग्स। और यहाँ धुल रहे हैं कपड़े, मशीन चलती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। एक तो बच्चे दादी के घर से आए थे और कुछ हमारे भी, मेरा शूट चलता रह जा रहा है, आज भी मेरा शूट है, तो जिसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फटाफट से मैं कपड़े लगा, तो मैंने दो बार तो धो चुकी हूँ सुबह से। और परी जा चुकी है क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है, और रॉकी उसको छोड़कर आया है क्योंकि पंकज को ऑफिस जाना था, मुझे शूट के लिए निकलना था, और हमें जल्दी जल्दी सुबह के काम भी निपटाने थे। तो परी तो चली गई है और पंकज भी ऑफिस चले गए। और ये रहा ओजस जो बैठा है अपनी क्लास के इंतज़ार में। हेलो ओजस। और ये रहा रॉकी, ये भी अच्छा ओजस क्या कर रहा है, मेरा ब्लॉग देख रहा है पिटाई वाला। वो रही हमारी सोना मोना। और मैं भी बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि क्योंकि आज मेरा एक सीरियल है, उसकी शूट है, तो फटाफट आई एम रेडी। दिस इज बैग बिल्कुल रेडी। और देख, कपड़े धो चुकी हूँ मैं, अभी तक लाइन लगी हुई है धोना है। और मौसम आज बहुत अच्छा है, हल्की धूप है, तो और मैं आपको शूट पे मिलती हूँ। और घर में क्या होगा बच्चों को भी बोलूँगी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय। ओजस का एग्ज़ाम चल रहा है, और सॉरी ओजस का ऑनलाइन क्लास चल रही है। रॉकी भी अपना थोड़ा काम कर रहा है, अभी वो थोड़ी देर में निकलेगा परी को लेने के लिए। पंकज ऑफिस जा चुके हैं और मैं भी अब जा रही हूँ अपने शूट पर। आज मुझे अंधेरी जाना है, तो बस कैब आने वाली है, उनकी वेट करती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी सब काम किया, सबका लंच बना दिया, ब्रेकफास्ट बना दिया, क्योंकि आज कॉल टाइम बहुत लेट था, 11 बजे है। आज कॉल टाइम जो है 11 बजे है, तो ब्रेकफास्ट और लंच मैंने ईजिली बना दिया, दाल सब्ज़ी चपाती, आई एम एक्सपर्ट, फ्रूट सैलड सब। बस अब कैब का वेट कर रही हूँ, आने वाली है। वैसे वहाँ सामने ना ऑटोज खड़े रहते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता है। आज अगर 11 बजे शिफ्ट है ना, 11 बजे कॉल टाइम का मतलब आपको वहाँ पर बुलाया है 11 बजे, तो 11 बजे तक रात को आप कुछ बोल नहीं सकते हो। तो पंकज मुझे लेने आएंगे क्योंकि रात को थोड़ा लेट हो जाएगा, सुबह इसलिए मैं खुद ही आ गई। और 7 to 7 वो ईजी रहता है। मेरा स्कूटर, क्योंकि यहाँ पर सोसाइटी एक ही 2-व्हीलर की पार्किंग है और एक 4-व्हीलर की ओनली, तो मेरा स्कूटर है और हमारे पास 2 हैं 2-व्हीलर, तो एक बेचारा बाहर है, कवर कर दिया मैंने इसको, और अब क्या कर सकते हैं ना। मुंबई में मेन पार्किंग प्रॉब्लम, मुंबई में मेन प्रॉब्लम होती है पार्किंग प्रॉब्लम। 4-व्हीलर मिल जाए वही बहुत है, वरना मोस्टली यहाँ बाहर ही कार। देखो इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, फिर भी कार्स बाहर ही पार्क होती हैं मेनली। तो घर ढूंढते समय बहुत प्रॉब्लम आई थी कि पार्किंग मस्ट थी, एक तो कार नहीं मिली थी और पार्किंग भी हमें चाहिए थी। अरे भाई क्या बोला, वहाँ सामने एक डॉग है, देखो उसकी ट्रेनिंग चल रही है, बुलडॉग नहीं है वो, देखो वहाँ उसकी ट्रेनिंग चल रही है, क्या बोलते हैं पता नहीं कौन सा डॉग होता है जिसकी टेल नहीं होती, ओजस को पता होगा। ओजस को दिखाऊंगी ना, फिर रोने लग जाएगा, आपने तो लेना नहीं होता, दिखाते रहते हो। कैब भी लेट कर रही है, पर ठीक है, 11 to 11 भी ठीक है। चलो कैब आ गया, मिलती हूँ आपसे। काम कर रहा हूँ, मेकअप कर रहा हूँ। आज का मेरा मेकअप है थोड़ा डार्क है, मतलब देखो लाइनर और मेकअप और आईज लिपस्टिक, मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड वाली जो लेडी होती है वैसा मेकअप हुआ आज मेरा। अच्छा, तो मैं सच में एटीट्यूड वाली ही हूँ। अरे नहीं नहीं, पर मुझे ना इतने सीरियल्स करके पता चल गया है कि मेरा जो रूल है, मतलब जो मुझको सूट करता है ना, वो एक वैम्प टाइप का है। मतलब होता है ना कि एक घर में सब बहुत अच्छे और अच्छे होते हैं चाची ताई, पर एक मामी होती है या एक चाची ऐसी होती है जो वैम्प टाइप होती है, वही रोल मुझे सूट करता है। मुझे आत्मज्ञान हो गया है कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। मतलब मुझे आत्मज्ञान हो गया है कि मैं सीरियल्स में क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं वैम्प बनने आई हूँ, और सूट भी बहुत होता है।
हाँ तो क्या हो गया, तो फिर क्या हो गया, देखो रोल तो रोल होता है, अगर मुझ पर वैम्प टाइप रोल होता है क्योंकि मेरी आईब्रोज और ये सब तो उसमें होता ना, बेचारी माँ, मैं बेचारी माँ और इतनी थ्रेडिंग वगैरह कर, इतनी शार्प आईब्रोज और ये सब तो नहीं चलता तो मैं यही वाला लुक, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे ही रोल अप्लाई करूँ और उनके लिए ही भेजूँ ताकि हो, क्योंकि मैं मदर्स के लिए भेजती हूँ तो कम होता है, और ऐसे ही कोई चाची ताई और ये ऐसी वाली और ऐसी ऐसी ऐसे वाले रोल ज़्यादा हो जाते हैं तो ठीक है ना, इसी तरह के रोल भेजो जैसे आप हो वैसे ही हो ना, क्या कर सकते हैं। आज फिर मेरे बाल स्ट्रेट हो गए, एक तो बाल इतने कम है, जैसे लेंथ हो गई है, लेंथ लंबे तो हो गए हैं, और आज फिर मैं एक वैम्प टाइप मदर बनी हूँ पता नहीं यही रोल मुझ पे सूट हो रहा है, मुझे ऐसे रोल मिल रहे हैं। आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखा था ना जब मैंने बहुत पिटाई की थी तो मैं इसमें कैसी लग रही हूँ, बाल स्ट्रेट में मुझे लगता है मैं अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा बड़ा है, मेरा फेस थोड़ा सा गोलू मोलू और बिग है ना, तो जिसकी वजह से स्ट्रेट मुझे अच्छे नहीं लगते, बट जो मेरी हेयर ड्रेसर है वो बोल रही है कि अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ इतने सारे बेबी हेयर थे कि उनको सीरम लगाना पड़ा, तो जो मैं ऑयल बना रही हूँ उससे बाल तो आ रहे हैं बट हल्के, तो अभी मेरे फिटिंग के कपड़े ही नहीं मिल रहे एक्चुअली पहले सुबह साड़ी बोली थी, अब सूट कर रहे हैं, तो सूट में फिटिंग टाइट ये सब चलता है, और फिर ज्वेलरी पहना दी है मुझे, ये देखिए ज्वेलरी और मंगलसूत्र, मंगलसूत्र तो हर सीरियल में ही हो रहा है अब, और ज्वेलरी और मंगलसूत्र मैंने पहन लिया है, और एक कॉस्ट्यूम सेट भी हो गई है, वो थोड़ी सी फिटिंग और आयरन करने के लिए लेके गए हैं, और वैसे लंच होने वाला, तो उसके लंच के बाद ही मेरा शूट होगा। तो दिखाते हैं कि परी और ओजस क्या कर रहे हैं, परी का एग्ज़ाम हो गया है और वो रॉकी के साथ घर भी आ गई, और अब तो तीनों फ्री हैं, तो पबजी 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 चल रही होगी दिखाती हूँ आपको। के बाद मैंने अपना लंच खा लिया है, अभी बजे हैं एक, हमने 12:30 से हमने 1 बजे तक पबजी खेली है, और अभी और खेलेंगे, अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो मैं 3-4 चैप्टर पढ़ूँगी कॉमर्स के, बिकॉज मैंने अराउंड 14 चैप्टर कर लिए हैं 24 में से, इट इज़ लाइक स्टिल 10 चैप्टर और हैं, तो उसमें से मैंने मेरे को 3-4 ऐसे कर लिए होंगे, थोड़ा सा है करना पड़ेगा। हमने खाना खा लिया है, हाँ 1 बजे खाना खा लिया हमने, क्योंकि अभी आंटी ने आना साफ़ करना है, तो हमने खाना खा लिया सबने, अब बस हम लोग जाएंगे और अपना पढ़ाई करके मैं आती हूँ। मैंने पढ़ लिया है और अब बच गए हैं 3, तो फिर 2 घंटे पढ़ा मैंने, तो 3 बज के अब मैं जाऊंगी थोड़ी देर फ़ोन देखूंगी, उसके बाद करता है जी गेम खेल रहा है, और इधर फिशेस ऐसे पागल पंचा कर रही हैं, और बाहर धूप बहुत है, शीशे बंद कर लेते हैं, लेट्स गो। मैं जा रही हूँ, मेरा सीन्स लगने वाला है, तो वहाँ जा रही हूँ, I'm ready for my shoot, मेरा शूट का टाइम हो गया है, तो मैं आपसे मिलती हूँ। ये रहा हो जस, मुझे लेने आया था मुझे तो लेने आया था एक्चुअली, इसका भी एक इंट्रो देना था किसी प्रोडक्शन हाउस में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट यहीं पर लेट हो गया है, और ये खा रहा है आइसक्रीम, और ये रहे पंकज, हमारा भी यहाँ हुआ है जिसकी वजह से हम लेट हो गए सब, यहाँ पर सब स्नैक्स और लेट हो गए आज, तो जस का इंट्रो रह गया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा से हो जाएगा ना ओजस, ओजस गुस्सा तो नहीं हो रहा ना, वैसे ओजस के 607 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 708 हो गए, मैं लिंक में डाल दूंगी ओजस का, और जो गेम्स खेलता है ना, तो वो जरूर लाइक और सब्सक्राइब और जो भी होता है सब कर लेना, ठीक है। फिर सीधा ऑफिस से आए हैं, और बेचारे यहाँ पर इनका पता है मुझे नहीं है कभी लाना, वो सब बड़ा हो गया ना, पापा के शूज पहनने लग गए।
और परी फिर सारा दिन क्या किया? पढ़ाई। तो आज क्या किया, कितने चैप्टर कर लिए? मैंने 22 कर लिए। और ओजस कोई पढ़ाई की तूने? की थी ओजस? नो स्टडी, मम्मी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना, बस ओजस में कोई पढ़ना ही नहीं होता, मम्मी नहीं है ना। इस वाली क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी, इसलिए पहला वाला क्वालिटी आईफोन से बना था, ये आगे से मतलब पीछे से दिखा सकते थे तो इससे बना रहा, अभी M31 से बन रहा है। और ओजस के बस अभी 1K होने वाले हैं, उसके बाद फिर वो मुझे कह रहा है कि मैं एक नया फोन ले दूंगा मम्मी आपको। आईफोन लूंगा मैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। हम सब अब बहुत लेट भी हो चुका और आपको भी सोना होगा, हमें तो बहुत ही लेट हो गया सोने में। तो मैं और आज मैं और ओजस इस व्लॉग को फिनिश करते हैं। तो मैं करूँ व्लॉग खत्म? तो ठीक है, मिलते हैं न्यू व्लॉग में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में ओजस के और रोकी के मामू रोकी ओजस के मामू के चैनल को भी। तो एक ही चैनल पर तीन चैनल का प्रमोशन हो रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।